बहुत बड़ा, भी आगे बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास में एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो सर ये जो चीजें आप और मैं देख रहे हैं, तो इन चीजों में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करने की जरूरत है। और ये कोई खास काम है क्या? नहीं। ठीक है, तो कनेक्ट होते हैं अगली स्लाइड से, एमएलए बिजनेस की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ एमएलएम बिजनेस। आप उससे पूछ सकते हैं कि सर मैं एमएलएम बिजनेस क्यों करूं। एक बड़ा प्रश्न है कि चलो हम बिजनेस में आना तो चाहते हैं, पर क्यों आए? क्योंकि क्यों जरूरी है क्लियर होना। आज आप जो काम कर रहे हैं उससे पैसे की आजादी है क्या आपको? हेलो, पैसे की आजादी समझते हैं। पैसे की आजादी का मतलब होता है कि आप अगर होटल में चले जाओ और आपको सीधे हाथ तरफ ना देखना पड़े और आप ऑर्डर कर दो, उसे पैसे की आजादी कहते हैं। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? यानी कि आज हम पैसे के गुलाम हैं, हम पैसे की गुलामी में। पैसे की आजादी को एक चीज और समझते हैं, यदि आप शादीशुदा लोग, घर की महिला को, चाहे मम्मी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे धर्मपत्नी हो, या बच्चों को लेके किसी दुकान पर चले जाओ और वो कोई साड़ी पसंद कर ले और आप उसका टैग देखे बिना खरीद के दे सकते हो, तो फिर आप पैसे से आजाद होने, तो पैसे की गुलामी चल रही है। ऐसा कर पाते हो कि आज की तारीख में आप? नहीं। रंग कलर उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता है? ओके, आज आपको मोटरसाइकिल से आज ठंड लगा, आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, या तो सोचते ही नहीं है, सोच रहे हैं तो हो नहीं रहा, यानी कि पैसे की आजादी नहीं है। तो वो पैसे की आजादी आपको यहां से मिल सकती है, इसे कहते हैं मनी फ्रीडम। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उस पर नहीं जाएंगे, पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको 5,000 रुपए कमाते हैं और आपको एक्स्ट्रा 2,000 और कमाना है सप्ते का या महीने का, तो आप यहां से कमा सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं और एक्स्ट्रा आपको 50-40,000 रुपए और कमाने हो, तो आप यहां से कमा सकते हैं। फिर आते हैं टाइम फ्रीडम, यानी कि अगर आप 5 महीने इस बिजनेस को ना करो और फिर भी आपके घर में पैसा आए, यानी कि काम चलता रहे और इस काम को बढ़ाने के लिए टाइम मल्टीप्लिकेशन होता रहे, उसको कहते हैं टाइम फ्रीडम। जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में। ओके, आगे और भी बात करेंगे इसमें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने परसेंट लोग, पहले तो रॉयल्टी समझते हैं क्या आप लोग? हेलो, कितने लोग हैं जो रॉयल्टी को समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं, जो नॉलेज हो गए वो नहीं समझते। रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई काम अगर आप कर दो और आप वो काम ना करो, आप करने के बाद एक मुकाम पर पहुंचा देने के बाद में, तो भी आपके पास में पैसा आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लेखक एक किताब लिख देता है और उस किताब के ऊपर जब जब एडिशन आते हैं तब तब पैसा लेखक के घर में जाता है। म्यूजिशियन जो संगीतज्ञ होते हैं, संगीत के ऊपर एक बार कोई भी कैसेट बना देते हैं या कोई भी एल्बम बना देते हैं, जब जब उस पर एल्बम बनती है तब तब आपको पैसा आता है। वैज्ञानिक अगर कोई काम एक बार वो कर देते हैं पर जब जब उसके ऊपर आविष्कार होते हैं तो रॉयल्टी उनके घर वालों को जाती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये तीनों काम कर जाएंगे? हेलो, कोई नहीं है। यानी कि आज आप जहां हो वहीं रहोगे और आपको कभी रॉयल्टी मिलने वाली नहीं है। यानी कि जिंदगी के 50 साल तक आपको मजदूरी करनी है, मतलब शरीर से काम करना तो करना है। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी हो हमारे आरको मुखाते सर की तरह, दीदी की तरह, तो पेंशन मिल जाती है। पहले तो पेंशन मिल जाती थी, आजकल तो पेंशन भी खत्म हो गई, पता है क्या? सरकारी जॉब पे भी पेंशन खत्म हो गई है, तो अब तो वो भी नहीं है। तो आप और हम बुढ़ापे को कैसे काटेंगे? क्या गारंटी कि आपके बच्चे आपको छोड़ के नहीं जाएंगे? हेलो, क्योंकि आप भी तो किसी को छोड़ के आए हो। हेलो, ये बहुत चुभने वाला प्रश्न है और बात है, यानी कि हम भी किसी के बच्चे हैं और हम उनके साथ है कि नहीं है मुझसे ज्यादा आपको पता है। तो कल आपकी औलादें होंगी, कल हमारे बच्चे होंगे, क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में वो आपको और मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? उस समय अगर पैसा है तो लोग चिपकते रहते हैं। क्या होता है? पैसा हो तो चिपकते रहते हैं, यानी कि औलाद भी रहती है, बहुएं भी पैसा सब लगे रहते हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन पैसा ना हो तो कोई किसी के साथ नहीं रहता। भाई हो रोकड़ा तो परने डोकरा ऐसा कहते हैं। तो ये कहां से आ सकता है यार? फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो इस बिजनेस से मिल सकती है। और एजुकेशन, यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है एमएलएम जिसमें आपको एजुकेशन दी जाती है, यानी कि टाइम फ्रीडम कैसे आए, मनी फ्रीडम कैसे आए, सिक्योरिटी कैसे आए, ये सिखाया जाता है, वो जो कि स्कूल में नहीं मिलता है। और अब हम स्कूल में भी नहीं जाते हैं,
टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, घर मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, ये सारे के सारे मैनेजमेंट हमारे गुरु लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं, तो वो यहां से मिलता है। रिस्पेक्ट, मानो सम्मान, यार भरपूर है यार। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि आपको कोई भी नहीं पूछता हो तो आप एमएलएम बिजनेस में आ जाओ, सारी दुनिया आपको पूछेगी भी और मानेगी और आपका रिस्पेक्ट भी करेगी, इतना पावरफुल बिजनेस एमएलएम बिजनेस होता है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल टूर यहां से मिलते हैं, वो भी फ्री में। काय में मिलते हैं सर? फ्री में मिलते हैं, इसका कुछ भी नहीं लगता है आपका। तो अगर आप लोग देश विदेश की यात्रा चाहते हैं तो यहां पर आइए। सोशल सर्विस, समाज सेवा, क्या मिलेगी यहां से? समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। अब एक चीज बताइए, जो काम आप लोग कर रहे हो या करने वाले हो उसमें ये सब चीजें मिलेगी क्या आपको, या मिल रही है? हेलो, अच्छा अगले दो साल में ऐसा संभव है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम में ये सब मिल जाएगा? हेलो, अगले पांच साल में मिल सकता है क्या? नहीं। अगले दस साल में मिल सकता है क्या? पूरी जिंदगी में मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो दोस्त, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अमलतास मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार ताली बजाइए, जो कि आपके लिए